वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और ये जनाब जो है अभी तक सो रहे हैं, तो इनको उठाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। उठना नहीं है क्या? कब? गुड मॉर्निंग, ये स्माइल देखिए इनकी हल्की हल्की, और ये उठना नहीं चाह रहे हैं। दोबारा से लोग देखते हुए अब की बार राखी लौट चुका है और ये आराम से यहाँ पे रिलैक्स करते हुए नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मैं भी। और ये जो भी बोलते हैं ना यार कि लाइक 2 मिनट में मैगी बन जाती है, ये बिल्कुल झूठ है। कभी भी आज तक मेरी मैगी तो 2 मिनट में नहीं बनी। ये देखिए 5-7 मिनट से रखी हुई है और अभी भी स्मूथ है। हम जा रहे हैं बाहर, जैसा कि डिसाइड हुआ था कि आज हम जाएंगे बाहर, तो हम निकल रहे हैं अभी धन गाड़ी में बैठ के, फिर बात करते हैं। और ये देखिए जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए वीकेंड पे मार्केट का हाल। और ये आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा हैवी ड्राइवर को कैच किया गया, ये जस्ट गिरते गिरते बचे हैं। येलो भाई, एट द टाइम पे शाहरुख खान भी शामिल हो चुके हैं हमारे व्लॉग में। हाँ भाई, अभी भी नहीं पहुंचे हैं हम जहाँ पे हम जा रहे हैं। एक तो जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जाते जाते घंटों लग जाते हैं। एक तो इतना ट्रैफिक होता है रास्ते में, ऊपर से रोड इतने अच्छे हैं, बट इसको देख के मत सोचिएगा कि रोड अच्छे हैं। ये तो सबसे अच्छे वाला एरिया है। और जो लोग गुरुग्राम में रहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वाला कौन सा एरिया है। बहुत देर हो गई, मतलब हमारे घर से 45 मिनट्स का डिस्टेंस शो कर रहा था, और बट वही है ना, बीच में ट्रैफिक मिलता है तो फिर पूरा और लंबा हो जाता है रास्ता। अभी भी स्टिल हम जा ही रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। पहुँचे हैं, ये वर्ड कहाँ से सीख लिया मैंने, पहुँचे हैं। ये देखिए कुछ लोकेशन अच्छी भी है। आ चुके हैं हम मार्केट में और मैं आपको सारा दिखाऊंगी, तो आप लोगों को सिर्फ गेस करना है कि हम किस मार्केट में आए हैं। मैं नाम नहीं करूँगी, बताऊँगी आपको, डिस्क्लोज नहीं करूँगी। आप लोगों को गेस करना है कि हम लोग किस मार्केट में आए हैं। हाँ जी, ये मार्केट है। वैसे अगर मैं पूरा आपको दिखाऊँगी ना तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बट वो जैसे वो स्पीड वाले लगा के तो मैं आपको फिर पूरा विजिट करा सकती हूँ। कहाँ जा रहे हो आप अकेले अकेले मेरे बिना? हैं, ऐसे नहीं जा सकते आप। बस कहीं पे लिखा ना दिख जाए तो मेरा पूरा वो हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना मेरे को, ध्यान नहीं कौन से वाले पे है, बट वाओ, ये देखिए पूरा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का मार्केट। सी फाउंटेन चलते हुए,
ये देखिए हम खा के अपना कूड़ा उसकी जगह पे डाल देते हैं। ओ आप भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको कि पूरी मार्केट में दिखाऊं तो भी आप गैस कर पाएंगे कि हम कहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया भी है, दिखाती हूँ आपको ये वाला, कोई थक जाता है या किसी का वैसे बैठने का मन है तो वो रेस्ट कर सकता है। और ये इस मार्केट का है मेन पॉइंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर से भी दिखाया था ये फाउंटेन वाला। ये क्या है, जैसे हमारे बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है, इतनी ख़राब किस्मत। ओह नो, अच्छी है हमारे पास आते ही स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ऐसे देख के। क्या फील आ रही है ना, कितना एंजॉय कर रहे हैं ये देखिए। आपको कितना मज़ा आ रहा है, यू एंजॉय। और इनको देखिए, ये इंसान जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रखा, इतनी पब्लिक में ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैंने लगा रखा, मैं कोरोना फ्री हो चुका हूँ, क्यों दो बार कोरोना करवा के। वाओ, बट आपने अभी तक वैक्सीन तो नहीं लगवाई ना। अच्छा, आपने लगवा ली। नहीं लगवाई, बट मैं प्रोटेक्शन यूज कर रही हूँ ना। मैंने ये देखो ऑलरेडी लगा रखा, आपने नहीं लगाया। तो हम खा रहे हैं रोल, मेरे को यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंद है। गर्मी कितनी है देखो मेरे फेस पे, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। और आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको? एक नंबर, बढ़िया लगा ना। मेरे को बहुत पसंद है, और स्पेशली मैं ये रोल खाने के लिए यहाँ पे आई थी। और इसका टेस्ट जैसे पहले था सेम वैसा ही अभी भी। इतने साल पहले तो आई थिंक 2017 में या 18 में मैंने खाया था लास्ट, उसके बाद अब खाया है तो मज़ा आ गया खाने। अब बारी है हमारी मोमो खाने की, हम दोनों ही मोमो लवर हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे मोमो सबसे ज़्यादा अच्छे मिलते हों, इसकी जगह अगर फ्राइड वाले होते वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे फ्राइड वाले नहीं मिले, हमें यही वाले मिले, हमें तो बस मोमोज मिलने चाहिए। ये बेशर्मों की तरह अकेले अकेले खा चुके हैं। आपको पता है पहली बाइट बीवी को देते हैं, ठीक है तो आगे से मैं भी नहीं खिलाऊंगी आपको। कोई रूल नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा, किसी बुक में है। लिखा नहीं है, उसको प्यार बोलते हैं, ये नहीं खा सकते। वैसे आपको एक बात पता है, आप सबको भी पता है, बोल रहे थे फिर दूसरे के हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है। आप बस ये छोटी छोटी स्लाइस उठा के मुझे खिलाते रहे, मज़ा दुगना हो जाएगा। जितने भी वाइफी है प्लीज कमेंट करके बताना कि ये बात सही है या गलत। और जब आपको मिर्ची लगी हो तो कॉफ़ी या कॉक पीने का मज़ा अलग है ना। एक्चुअली मेरे को स्पाइसी भी ज़्यादा लगता है, बट मैं मोमोज के साथ जो रेड वाली चटनी होती है वो लगा के खा ली, वो ज़्यादा लग गई। ये देखिए मेरा फेस का हाल क्या हो चुका है। ये जनाब देखिए इतने भीड़ में कितनी आराम से सो रहे हैं। बहुत इंजॉय किया, पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉय और आ सकता था अगर हमारा फोटोग्राफर हमारे साथ होता। उसने एंड टाइम पर हमें धोखा दे दिया, तो अगर वो साथ होता तो और ज़्यादा इन्जॉय आता और ज़्यादा हम वीडियोस क्रिएट कर पाते और अच्छे से आपको दिखा पाते।
पहुंच चुके हैं घर। चलो जी ब्लॉग को करते हैं एंड, और बस आज के लिए इतना ही था। जैसा कि बोला था कि हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग बाहर भी गए और हमने बहुत सारी मस्ती करी। मैंने सब कुछ ब्लॉग में ऐड किया है, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी मार्केट थी। कमेंट करके फिर जो भी बताएगा उसके लिए एक सरप्राइज़ है, पर राइट आंसर होना चाहिए। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। सबको गुड नाइट।